ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180. डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, अब टू नंबर्स कैसे हैं, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, एक स्मॉलर है और एक लार्जर है. लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई. ओके, मैंने लेट कर लिया कि लार्जर नंबर क्या है, एक्स है, एंड स्मॉलर नंबर क्या है, वाई है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है 180, वो है 180. एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है, वाई. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 8 times the larger number. That means y square is equal to क्या है मेरे पास, 8x है. समझिए क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है वो उसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के. तो y square इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में, तो y square को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x square minus y square and y square is equal to 8x minus 180 is equal to 0. 180 को factorize कीजिए ऐसा कि minus करने पे 8 आ जाए, तो 180 90 45 15 5 and 5 point. ओके स्टूडेंट, 8 लगाना है, 3 टू जा 6 टू जा 12, नो 5 टू जा 15, ये नहीं होगा. एंड 2 जब 4, 5 जब 20, 3 जब 9, ये भी नहीं होगा. एंड 3 जब 9, 2 जब 18, 5 टू जब 10. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10, एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0. 18 10 जब 180 एंड 18 माइनस 10 क्या होता है, 8 होता है. एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0. एंड एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 18 एंड प्लस 10 एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 18 एंड एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो एक्स इज इक्वल टू 18 कॉमा माइनस 10. टू वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आ रही है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. तो आपका जो इस लार्जर नंबर है वो 18 होगा एंड स्मॉलर नंबर इसी के अकॉर्डिंग यहां से फाइंड कर लेंगे. सो इसको इरेज कर देता हूं. y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, y स्क्वायर इक्वल टू 18 है क्या, 144, एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 12. यहाँ पे भी टू वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे प्लस 12. सो आपका ये हो गया आपका इस लार्जर नंबर 18 एंड स्मॉलर नंबर हो गया 12. स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, इनका आप स्क्वायर करके डिफरेंस करेंगे तो 180 आंसर आएगा.